फ्रेंड्स मिक्सी जार लेंगे, इसमें डालेंगे 2 कली लहसुन, 1 इंच अदरक और 1 प्याज और इसका पेस्ट बना लेंगे। फ्रेंड्स मस्टर्ड ऑयल गर्म हो गया, मैं इसमें थोड़ा सा जीरा डालूंगी, इसे थोड़ा ब्राउन होने दूंगी। फ्रेंड्स जीरा ब्राउन हो गया, मैं यहाँ पे 2 आलू ग्रेट कर रही हूँ, इसे डाल के अभी मैं थोड़ा फ्राई करूंगी 5 मिनट तक। फ्रेंड्स टमाटर को मैं अंदर से इसका बीज निकाल के खाली कर रही हूँ और इसका बीज यहाँ पे रखी हूँ। फ्रेंड्स आलू को मैं फ्राई कर ली हूँ और अब मैं इसमें टमाटर का जो बीज निकाल के रखी थी वो डाल के 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगी। और अब मैं इसमें थोड़े से पनीर डालूंगी और मैं पनीर डाल के 1 मिनट के लिए फ्राई करूंगी। फ्रेंड्स और अब मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालूंगी, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, तीखा के अकॉर्डिंग रेड चिली पाउडर और इसे अभी 1 से 2 मिनट के लिए थोड़ा फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाल के इसे मिक्स कर दूंगी और स्टफिंग को ठंडा होने दूंगी। फ्रेंड्स ग्रेवी बनाने के लिए मैंने तेल डाल दिया कढ़ाई में, थोड़े से हींग डालेंगे और जो अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट बनाई थी वो अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट डाल के 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगी। फ्रेंड्स प्याज अच्छे से फ्राई हो गया और अब मैं डालूंगी थोड़ी सी हल्दी, ग्रेवी के टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून किचन किंग मसाला और इसे फिर से 1 मिनट के लिए फ्राई करूंगी। फ्रेंड्स स्टफिंग हम टमाटर के अंदर भर लेंगे। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालूंगी और जितना ग्रेवी चाहिए उसके अकॉर्डिंग पानी डालेंगे और को अभी उबलने देंगे। फ्रेंड्स थोड़ी सी स्टफिंग बच गई तो वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। फ्रेंड्स ग्रेवी में उबाला गया और अब मैं इसमें टमाटर डाल के ढक के 5 से 7 मिनट के लिए पका लूंगी। फ्रेंड्स बनकर तैयार है टमाटर स्टफ सब्जी। अब अभी बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।